हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस एडवांस इन सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी। माय नेम इज मनोज कुमार। आई एम हेयर विद पार्ट थ्री ऑफ डेवलपमेंट आर्थिक विकास की समझ के अध्याय वन के तीसरे भाग में आ चुके हैं हम। इसमें हम कवर करेंगे शिशु मृत्यु दर, पुरुष और महिला का अनुपात, जन्म के समय संभावित आयु, साक्षरता दर क्या है, आधारभूत संरचना क्या है। वन बाय वन लेते हैं। शिशु मृत्यु दर 1000 जन्मे बच्चे जिनकी उम्र आयु 1 वर्ष से कम हो और 1000 के पीछे मरने वाले बच्चे या शिशु तो 1000 बच्चों जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके पीछे कितने बच्चे मरते हैं प्रतिवर्ष, वो कहलाता है शिशु मृत्यु दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन विश्व में अगर तीन तरह के देशों को माना जाए तो हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। उस हिसाब से हर साल डे बाय डे दिनों दिन हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें गवर्नमेंट इम्प्रूव सुधार कर रही है और ये आंकड़ा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, पुरुष और महिला का अनुपात, वो वयस्क चाहे वो पुरुष है चाहे महिला, इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं इसको, जिसकी आयु 18 वर्ष 21 वर्ष, लड़के की शादी के लिए 21 वर्ष, लड़की की शादी के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अब आते हैं वापस पॉइंट पर, पुरुष और महिला का अनुपात कैसे। प्रत्येक 1000 या 1000 पुरुषों के पीछे या समानांतर महिलाओं की संख्या संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 940 है। विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर महिलाओं की संख्या 1000 से ज्यादा है। हमारे देश में सेक्स रेशो केरल में सबसे ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं हर 1000 पुरुषों के पीछे। इस 940 से 940 से को देखने के बाद बच्चों पता चलता है कि हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति खराब है। गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाकर इनको सब तरह के सेक्टर में उतार दिया है, बावजूद उसके दे आर लेस देन दी
अडल्ट्स सॉरी मेल पुरुषों के मुकाबले आज भी संख्या कम है। तो ये था पुरुष और महिला का अनुपात कैसे निकलता है और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। नेक्स्ट, जन्म के समय संभावित आयु, यहां पर यह जो आपका हेडिंग है स्वास्थ्य से रिलेटेड है, संबंधित है। कैसे? जिस देश की स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा होगा उस देश के लोगों की जो औसत आयु है ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी कंट्री अपने भारत देश की बात करें तो पुरुष की जो औसत आयु है वो 67 वर्ष है और महिला की जो आयु है वो 72 वर्ष है। जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा लोग उतने ही अच्छे ढंग से लंबी उम्र जिएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हेल्थ सिस्टम किसी भी कंट्री का कैसा है, उसके बेसिस पे संभावित आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, साक्षरता दर लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज प्रतिशत क्या है। हमारे देश का 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है बच्चों 74% है, यानी कि हर 100 में से 74 इंसान पढ़े लिखों की श्रेणी में आते हैं और 26% हैं वो इलिटरेट अनपढ़ हैं। इसके पीछे 4-5 पॉइंट और निकलते हैं। जैसे अगर कोई इंसान साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, लिटरेट होगा तो क्या होगा विकास? कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई लड़का या लड़की अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से शिक्षा लेकर IIT या एम्स से पास आउट होकर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जॉब करते हैं तो उनके साथ साथ उनका जो परिवार है, फैमिली है, उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। उज्जवल हो जाता है। फिर अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं तो ये ही IIT और एम्स स्टूडेंट्स आगे जाके देश हित के काम करते हैं और देश विकास के रास्ते पे चलता है। ये देश को लीड करते हैं और लीड से लीडरशिप और विकास होता है, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं विकास के बारे में। सो साक्षरता दर का विकास पर गहरा असर है। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, विमान, पतन, जहाज, विद्युत आदि आदि, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिनसे किसी भी देश का ढांचा तैयार होता है, जो कि किसी भी देश के लिए
रीढ़ की हड्डी होते हैं, देश की जान होते हैं। किसी भी देश का अगर ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जितनी मजबूत होगी उतना ही देश डेवलप होगा, विकास करेगा। रेलें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इंडिया की इकोनॉमी में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये Part 3 था हमारा विकास के ऊपर। अगले वीडियो में मैं समराइज करूंगा विकास अध्याय को, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। थैंक यू।